इस पावन धरती से जो ज्ञान प्राप्त करके भगवान बुद्ध ने मानवता के कल्याण का संदेश दिया, दुनिया की एक बड़ी आबादी आज बौद्ध परंपरा को मानती है और भारत के शांति और सौहार्द के उस संदेश को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। इसलिए सचमुच बिहार की धरती भारत की उस पवित्र परंपरा की धरती है जिसने हर कालखंड में भारत को नेतृत्व दिया है। और आज एक बार फिर से जब बिहार विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, वह भी वैश्विक महामारी कोरोना कालखंड में, आपके उत्साह को देख करके मैं सचमुच आप सभी अरवल वासियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, मुझे आपसे अपील करनी है कुछ दो मुद्दों पे। पहली अपील, कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को 135 करोड़ लोगों के हित में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। और आपने देखा होगा कि देश के अंदर समयबद्ध ढंग से उठाए गए कदमों के कारण 135 करोड़ की आबादी को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत बचाने में सफल रहा। लॉकडाउन की कार्रवाई में भले कुछ लोगों को तात्कालिक परेशानी हुई होगी, लेकिन हर गरीब को राशन मिल जाए, हर गरीब को रसोई गैस के का निःशुल्क सिलेंडर उपलब्ध हो जाए और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ तो प्रधानमंत्री जी ने इसी बिहार की धरती से प्रारंभ करके हर हाथ को काम देने के भी एक अभियान को आगे बढ़ा करके आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने का कार्य भी किया था। भाइयों बहनों, जहां पर राशन देने में कोई भेदभाव नहीं, शासन की सुविधा को देने में कोई भेदभाव नहीं, किसी भी प्रकार का न जाति का भेद, न क्षेत्र का, न मत और मजहब का, सबका साथ सबके विकास के भाव के साथ प्रत्येक नागरिक को शासन की सुविधा से जोड़ने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए और श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के लिए किया है। मुझे लगता है कि सत्ता प्राप्त करने का आधार इस वर्तमान में केवल प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को और बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए के प्रत्याशियों का यह अधिकार बनता है कि जनता जनार्दन आत्म निर्णय लेकर के इन प्रत्याशियों के पक्ष में अपना वोट दे। याद करिए, नीतीश जी के सत्ता में आने के पहले बिहार की स्थिति क्या थी। बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट था, बिहार के अंदर नक्सलवाद चरम पर बोल रहा था, जिस प्रकार से जातीय संघर्ष करा करके एक परिवार स्वयं का अपने पूरी व्यवस्था पर हावी होने का प्रयास कर रहा था, ऐसे ही कांग्रेस का नेतृत्व भी पूरे देश के अंदर जाति क्षेत्र भाषा के आधार पर लड़ा करके पूरे देश के अंदर केवल एक परिवार का राज चलेगा, बाकी लोग भीख मांगेंगे, इस प्रकार की स्थिति उन्होंने पैदा कर दी थी। कश्मीर की समस्या कांग्रेस की देन, नक्सलवाद की समस्या देश के अंदर कांग्रेस की देन, अलगाववाद की समस्या कांग्रेस की देन, लेकिन गरीबों के लिए कोई योजना बने, किसानों के लिए योजना बने, नौजवानों के लिए योजना बने, महिलाओं के लिए योजना बने, बिना भेदभाव के बने, ये कभी कार्य ईमानदारी के साथ उन्होंने करने का प्रयास नहीं किया। भाइयों बहनों, ये कार्य प्रारंभ हुआ जब प्रधानमंत्री के रूप में 2014 में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री बनते ही मोदी जी ने सबसे पहला काम किया गरीबों का खाता खुलवाने का, जनधन अकाउंट खोलने का।
प्रधानमंत्री मोदी जी ने दूसरा कार्य किया, हर घर को शौचालय उपलब्ध कराने का स्वच्छ भारत मिशन में 2 अक्टूबर 2014 में प्रारंभ किया। तीसरा कदम उठाया, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को एक एक आवास उपलब्ध कराएंगे। चौथा काम किया, हर गरीब के घर में रसोई गैस सेल का सिलेंडर पहुंचाने का। पांचवा काम किया, हर गरीब को विद्युत का निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाने का। छठा काम किया, नेशनल पोर्टेबिलिटी के माध्यम से हर गरीब को राशन कार्ड की सुविधा का लाभ देने, और बिहार का नौजवान अगर कार्ड बिहार के अंदर बनाया है, वह चाहता है कि राशन कार्ड में उसे मुंबई में और बेंगलोर में राशन मिले। प्रधानमंत्री मोदी जी ने संभव बना दिया है कि नेशनल पोर्टेबिलिटी के माध्यम से राशन की सुविधा आप वहां भी प्राप्त कर सकते हैं। मोदी जी ने एक काम और किया, आयुष्मान भारत में हर गरीब को 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का कार्य भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर किसान को 6 हजार रुपए सालाना देने का कार्य भी, अगर किसी ने क्या, प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में दिया। भाइयों बहनों, मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस राजद और भाकपा माले के प्रत्याशियों से पूछे, उन्होंने अपने शासन काल में गरीबों के लिए क्या किया? ये मकान अगर वे देते तो मोदी जी को घोषणा करने की स्थिति नहीं आती। मोदी जी के पहले अगर वे लोग दे दिए होते तो पैसा विकास में खर्च होता, लेकिन उन्होंने नहीं किया। मोदी जी ने विकास भी किया है, गरीबों के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त किया है, और इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज एक भारत श्रेष्ठ भारत बन रहा है। इस एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बननी आवश्यक है। दूसरा, भाइयों बहनों, हम हमेशा कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, बोलते थे ना। राम मंदिर में बाधा कौन था? कांग्रेस राजद भाकपा माले, यही लोग तो राम मंदिर के निर्माण में बाधक थे। हमने तो जो कहा, मोदी जी ने 5 अगस्त को अयोध्या में आकर के भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण का भी मार्ग प्रशस्त कर दिया है। हमने देश के लिए जो वायदा किया था कि कश्मीर में पाकिस्तान प्रस्त आतंकवाद को पाकिस्तान के अंदर घुस करके मारेंगे और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराएंगे, हमने तो कर दिया है। हमने जो कहा वो कर दिया है। भाइयों बहनों, हमने विकास भी कराया है, आस्था का सम्मान भी किया है, और बीमारी से देश की 135 करोड़ जनता को बचाने का भी काम किया।